आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम टोपी के बारे में। जी हाँ, मुस्लिम टोपी आखिर क्यों पहनते हैं, इसका इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता है, जो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं। देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े और ऊपर से हो रही राजनीतिक को थोड़ी देर भूल जाइए, और ना भी भूलना चाहें तो ये खबर जो मैं आज लाई हूँ वो आपकी भावनाओं को थोड़ा सा तो ज़रूर बदल देगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी से कुछ मासूम से सवालों का जवाब दिया। ये जवाब इस बात का सबूत है कि हमारे देश में अगर धार्मिक सौहार्द आज भी कायम है तो वो इसलिए कि हमारे देश में सभी धर्मों के प्रति प्यार और सम्मान करने वाले लोग रहते हैं। कुछ महीनों पहले मैं दिल्ली जा रही थी। मैं दिल्ली में उबर पूल से सफ़र कर रही थी। मैं पहले बैठी थी, फिर एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बैठी और करीब 1 किलोमीटर के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति आगे वाली सीट पर बैठ गए। इस व्यक्ति ने सफ़ेद रंग की पारंपरिक टोपी पहन रखी थी। छोटी बच्ची ने जिज्ञासावश अपनी माँ से सवाल किया कि इन अंकल ने शाम को टोपी क्यों पहन रखी है, बाहर तो धूप भी नहीं है। अभी तक रेडियो चल रहा था और मुस्लिम व्यक्ति ड्राइवर से बात कर रहा था और मैं अपने फ़ोन में लगी थी, लेकिन इस सवाल ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ड्राइवर और उस व्यक्ति की बातचीत रुक गई और ड्राइवर ने म्यूज़िक प्लेयर की आवाज़ कम कर दी। मैंने सोचा कि ये बच्ची को कुछ बताऊं, लेकिन उसकी माँ जवाब देने के लिए पहले ही तैयार थी। उसने कहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा जब मैं मंदिर जाती हूँ या कोई बड़े हमारे घर आते हैं, या फिर मुझे तुम्हारे दादा दादी के पांव छूने होते हैं तो मैं दुपट्टे से अपना सिर ढक लेती हूँ, या किसी को सम्मान देने का तरीका होता है मेरे बच्चे। बच्ची माँ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन ये भैया किसे सम्मान दे रहे हैं, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, वो किसी के पैर भी नहीं छू रहे हैं और कार में इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं है जिसे वे सम्मान दे। आश्चर्यजनक रूप से वो माँ इस सवाल के लिए भी तैयार थी। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ जवाब दिया, इनके माता पिता ने इन्हें यह सिखाया है कि ये जिसे भी मिलें उनका सम्मान करें, ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें अतिथियों को नमस्ते करना सिखाया है। किसी को इस जवाब की उम्मीद ना थी, उस मुस्लिम व्यक्ति को भी नहीं। मैंने कैब पहले ली थी तो मैं अपनी मंजिल तक पहले पहुंच नहीं वाली थी। मैं नीचे उतरी, मुस्कुराई और सोचने लगी, अगर एक आम आदमी अपने आसपास वाले के बारे में ऐसा सोचता है, अगर लोग अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आज की पीढ़ी के लिए लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इस प्रकार सीखें, तो हमारे राजनेता हमें बांट पाने में विफल हो रहे हैं। सभी रूढ़िवादी बेवकूफ़ इस देश को बांट पाने में विफल हो रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरा भारत महान है। तो देखना, अपने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के मन में दूसरे धर्म के प्रति नफरत और द्वेष ना पनपे। वो हर धर्म को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द भी कायम रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी आप तक पहुँचेगी और आप इसको पसंद भी करेंगे। अगर आप इस कहानी को पसंद करेंगे तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और हमारा आने वाला कल सुधरेगा।
दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी और जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।